भाई से रहे भाई 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 कहां भाई 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 मानन भाई रुदन भाई साधो भाई रुदन भाई देवा भाई रुदन ए बात महत्व बनने पर सब दिन भगवान में भजन होते ही आया लेकिन आज भगवान भजन हुआ नहीं इसलिए सभी बाप तीन को भगवान भजन किया जाए। ठीक है भाई रुदन अच्छी बात है कि आज ही मोहला राज दरबार में सभी भाई मिलकर भगवान का देवी देवताओं का नाम लिया जाए। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मुन्ना म्यूजिक प्रोग्राम और दी ग्रेट बिहार विदेशी नाट पार्टी प्रोप्राइटर मस्ताना श्री बखोरिया जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कॉमेंट में लिख सकते हैं कौन सा अगला पाठ नाटक ड्रामा एवं चित्रहार रंगोली सदाबहार देखना चाहते हैं स्टेज शो कॉमेडी। तो दोस्तों बात ये रहा कि आप लोग नए नए कहानी मांग करते हैं कमेंट करते हैं तो नए नए कहानी तो हम अपलोड करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये सरस्वती पूजा में जहाँ जहाँ प्रोग्राम था जो भी हमारे बुकिंग किए थे सट्टा किए थे सट्टेदार उनका कहना था कि नहीं जो हम यूट्यूब पे देखें वही होना चाहिए। तो भाई खेला हुआ नाटक वहाँ खेलने के लिए बोले तो फिर हम अपलोड कैसे करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी कुछ कुछ हुआ है, एक दो कहानी वो अपलोड मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे आल्हा रुदल में से मारो गढ़ का लड़ाई उर्फ आल्हा और रुदल का पिता का बदला बहुत ही मज़ेदार कहानियां हैं दोस्तों, धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक। और एक निवेदन आप लोगों से ये मैं चाहता हूं कि मैं जब YouTube पे अपलोड कर देता हूं कोई भी वीडियो तो YouTube और गूगल ये दोनों बहुत बड़ा सर्च इंजन है, ये 24 आवर काम करता है यानी 24 घंटा कभी भी YouTube पे खोलिएगा कुछ भी यदि देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो बात ये रहा कि मैं अपना वीडियो अपलोड कर देता हूं तो आप लोग रात में 11 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे कभी भी देखते रहते हैं उस टाइम क्या करते हैं कि मैं फ़ोन नंबर दे दिया हूं सुविधा के लिए कि आप लोग कहीं के भी रहें फ़ोन से जानकारी ले सकते हैं बुकिंग कर सकते हैं। तो आप लोग पहला गलती क्या करते हैं जब रात में देख रहे हैं सोने का टाइम है हम लोग सो रहे हैं आप लोग देख रहे हैं वहाँ से फ़ोन दौड़ा दिए हाँ कहाँ लगा है नाचपाटी कहाँ लगा है, ऐसा नहीं करना है। अब हम इसलिए नंबर दे रहे हैं कि ये नंबर पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोग
नाच पार्टी बुकिंग करने के लिए या तो नाच पार्टी से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी दिन, लेकिन बट रात में नहीं करना है। बहुत हम लोग का डिस्टर्ब होता है, प्रोग्राम करते रहते हैं या तो हम लोग कोई और काम में बिजी रहते हैं या तो हम लोग सोते रहते हैं, है ना, इसलिए नहीं करना है। दोस्तों मैं बहुत ही जल्द ला रहा हूँ आप लोगों का फरमाइश मोहबा बंटवारा और सती बिहुला, ये दोनों नाटक जल्द ही अपलोड होगा। इसके बाद आप लोग मेरे वीडियो पे बने हुए रहें, जैसा कि आप लोग लार दुलार प्यार देकर हमारे चैनल को बड़ा किए हैं, आज 25,000 प्लस सब्सक्राइबर एवं नहीं है व्यू तो मिलियन में है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा ही सपोर्ट और लार दुलार प्यार देते रहें ताकि आप लोगों के बीच मैं हर वीडियो नाटक ऐतिहासिक धार्मिक सामाजिक से जुड़ा हुआ खेल आप लोगों के बीच पहुंचा सकूं। तो चलिए पहला सीन देखेंगे हम लोग, मारोगढ़ उर्फ आल्हा रुदल के पिता का बदला। तो पहला सीन में हम लोग देखेंगे कि मोहबा कचहरी पे आल्हा रुदल ब्रह्मानंद धांधु और बिरमल खान, ये पांचों भाई मोहबा कचहरी में भगवान का सुमरण भजन करते हुए ये नाटक को विस्तार से आप लोग देखेंगे। दी ग्रेट बिहार विदेशिया नाट पार्टी प्रोप्राइटर मस्ताना श्री बखोरिया जी के तरफ से किस तरह हमारे टीम कलाकार एक कला को प्रस्तुत किए हैं, एक कहानी को पूरा किए हैं, आप लोग के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। अपने पिता का बदला का लेने का नाटक आज ग्राम पचौरा सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हम लोग राज दरबार लगाए हुए हैं, ये राज महप्पा 10 पूर्वानी झिझावट का दरबार है। बीच में बड़े ताज मुकुट के साथ हैं ईश्वर के दक्षराज का पुत्र आल्हा आल्हा सरदार, और जो बगल में है जो रुदल का रोल में है खराब नहीं है, और जो बगल में अंतिम में जो देवा है जो रहीबा का पुत्र है देवा, और बक्षराज का पुत्र मलखान, और टोडर का पुत्र धांधु, और मैं परिमल सिंह का लाल ब्रह्मानंद। हम लोग का सबसे बड़ा उम्र है भैया अल्लाह सरदार जी को, जिनका उम्र अभी 12 वर्ष का है, 7 वर्ष का उम्र रुदल का है, 7 वर्ष का उम्र देवा को है, मलखान को भी 8 वर्ष का उम्र है, ब्रह्मानंद का उम्र 10 वर्ष का, धांधु का उम्र है 9 वर्ष का। मैंने आने हम मोहबा में भी बालक है, देखिए कहानी कैसे होता है, अपना ध्यान पूर्वक देख रहे कि कम उम्र में आल्हा रुदल अपने पिता का बदला कैसे लेता है, और रुदल को पता नहीं अभी बना नहीं है कि हमारे पिताजी मारे गए हैं, इनको अभी तक पता है कि मेरे पिताजी परिवार है। देखिए नाटक कैसे होता है। भाई से ना भाई ना भाई भाई कहां भाई रुदल भाई ब्रह्मानंद भाई रुदल भाई धांधु भाई रुदल भाई देवा भाई रुदल, ए रात महत्व बनने पर सब दिन भगवान को भजन होते ही आया, लेकिन आज भगवान भजन हुआ नहीं, इसलिए सभी बाप तीन को भगवान भजन किया जाए। ठीक है भाई रुदल, अच्छी बात है कि आज ही मोहबा राज दरबार में सभी भाई मिलकर भगवान का देवी देवताओं का नाम लिया जाएगा।
ठीक है भाई रुदल भैया सरदार जी मोहब्बत दस पूर्व में प्रेम पूर्वक
भगवान के नामों से जय जयकार हो गया भाई। लेकिन लेकिन किस बात का है, लेकिन इस बात का है कि अपना दरबार होता है भगवान हर ज्ञान है। दरबार के बारे में कहते हैं हाँ भैया रुदन जी, एक समय मैंने रामायण पढ़ रहा था तो रामायण में चर्चा यही था कि रामायण त्रेता युग में निर्माण किया गया वाल्मीकि जी के द्वारा। बालेपन में जो अवस्था में वाल्मीकि जी का काम था चोरी करना, कोई जा रहा है जंगल से रास्ते से उसे छीन लेना, हत्या कर लेना, लेकिन उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्हें उपाधि दिया गया तीन का दर्शी महर्षि वाल्मीकि, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान दीन दृष्टि और रामायण का रचना किए। वो जानते थे कि त्रेता के बाद क्या पर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग, तो कलयुग में एक तुलसीदास नाम का व्यक्ति का जन्म होगा, वो भी मेरे जैसे होंगे। मैं तो किसी को हत्या करता था, छीनता था, परंतु तुलसीदास अपने स्त्री में लौन नहीं रहेंगे, स्त्री के सिवा कुछ नहीं भाएगा, लेकिन उन्हें भी ज्ञान होगा। ज्ञान होगा हाँ, और ज्ञान होगा तो मेरा लिखा हुआ रामायण को सरल करेंगे, सीधा करेंगे, ताकि सभी लोग आसानी से रामायण को पढ़ लेंगे। उस रामायण को तुलसीकृत रामायण से लोग जानेंगे। उसी समय वाल्मीकि ने तुलसीदास के बारे में चौपाई लिखे थे। कौन चौपाई है? वो चौपाई लिखे थे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी भोजन में हंसार, तुलसी ऐसे मानव को परम पार। उसी प्रकार से अपना द्वारपाल है, ये भी राम नाम में आलसी करता है, और कह दे कि बेटा द्वारपाल रंग महल में भोजन तैयार है, तो जानते कहो नहीं करेंगे कि चल रहा खाने के लिए, कल करना तैयार है, आगे बढ़कर चला जाएगा खाने के लिए, खा लेगा। हाँ, भगवान को नाम से कोई मतलब नहीं है, इसे पूछो भगवान को नाम लिया कि नहीं, ठीक है भाई जवाब पूछे तो भजन किए। अच्छा, इसलिए हम लोग का सभी को कहना है कि इस समय देवी भगवान का नाम ले लो। तेरा कहीं के भगवान बहादुर जी, ए भगवान के भजन करने के लिए कहता हूँ तो भगवान के गाली बकते हो। हमारा भगवान से नाराज चले हो किस चीज का? किस चीज का? भगवान बर्मा खतर में जाइए करते रहे कुछ ना कुछ रहे। ये बता हूँ मालिक जी कि भगवान के पूजा के लिए सगरो हो रहा है, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में। अरे भगवान के बजे पूरा पृथ्वी पर होता है, पूरा पृथ्वी पर। तो भगवान के एक नजर सबके बराबर में देखना चाहिए। देखे देखा ये बता हूँ मालिक जी कि याद करे पर की साल यही समय करुणा घोषणा है, घोषणे सरकार तबाह तबाह कर दल कर साल भर चैन में न रह दल के मालिक का भगवान के भजन सब ना कर दिया करते होंगे। बहादुर, इसीलिए कहा गया है कि मन में राम बगल में छुरी कहे कबीर निहत्तूरी है ना, अगर तहे दिल से भगवान के भजन करोगे तो ऐसा गलत काम नहीं होगा। तहे दिल से भगवान के भजन करोगे तो वो छुरी खुद भी चालू हो जाए। तो करे भगवान भजन करेगा, करे श्रीमान जी एक कहावत है कि जिनकर नगर में रहिए तो हा 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 कीजिए, कबूतर का सीन है बहरे तो हर सरकार जो हो रहा है। मैं क्या करूँ, मालिक का बस नहीं हूँ, भगवान का भजन करने पड़ता है। करे करे मालिक जी पी कर
से भगवान के भजन ना कर रहे हैं। बहादुर जी, एक पीटा बड़ा कौन सा देवता होते हैं रे? मालिक जी, एक पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता होते हैं। पीटा मोटा जी, कैसे जी? सुन लेते हैं, बताना चाहता है जी। श्रीमान जी, एक 17 सितंबर व्रत आता है, वो हिंदुओं का सबसे मशहूर पर्व है। जितने भी लोहे कल कारखाना आवर जाए बाबा विश्वकर्मा है तो महाराज, और 17 सितंबर को इनको पूजा होता है। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अपने के किसको करा? अपने के, अपने आप को बधाई कर रहा है। आपने करिए मालिक जी, पीटर ने मोटर का खुरपी चले सरकार।
चलाई जी, जो गरल के अंदर तुम्हें भजन पड़ता था। अबे मैया तीन गो दांत लग गए गरल के अंदर, दांत लग जाता तो तुम्हें कौन छुपाता है, मर जाता तुम। मालिक जी उस समय जी भगवान से झगड़े जी ना है, भगवान ऐसा था जी। मालिक जी अपने के पंच माने ही अगर पंचायती कर देते बाबू जी, अगर जो भैंसिया के बेच थे तो हमारा हिस्सा होती कि ना। काली में सरकार कितनी संकल्प करता है, ऐसे बात।